कर रहे सभी सिविल सर्विस के परीक्षार्थियों का आपके अपने चैनल आपआईएस में हार्दिक स्वागत है मित्रों। लगातार हम आपके लिए सीरीज ला रहे हैं जिसमें कि हम आपसे जो है पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। किसी कारणवश हम पहले जो है जीएस के पेपर डिस्कस नहीं कर पाए थे, मगर अब हम लगातार इसको पूरे आपको सारे पेपरों का डिटेल डिस्कशन दे रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको यह पता चलता है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, बल्कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता चलता है कि उन्हें किस लेवल तक की तैयारी करनी है और कैसे उन्हें प्रश्न के आंसर लिखने हैं। तो आपको ये सब बहुत तो डिटेल में बताया जाएगा। तो देखिए जो GS 3 का पेपर होता है मित्रों, वो होता है उसके लिए 3 घंटे आपके पास होते हैं और 250 नंबर का ये पेपर होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये पेपर जो होता है वो दोनों ही माध्यमों में प्रिंटेड होता है, इंग्लिश और हिंदी, मगर आपको जो आंसर करना होता है वो आपके जो स्पेसिफाइड मीडियम होता है उसके अंदर अंतर्गत करना होता है। अगर उसके अलावा आप कुछ भी आंसर करते हैं तो आपका वो आंसर चेक नहीं होता है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं क्योंकि ये यूपीएससी ये चाहता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तभी ही आपका रिजल्ट जो होता है, जो टॉपर्स को आपने देखा होगा वो सभी लगभग क्वेश्चन करने में अटेम्प्ट होते हैं, मगर आप लोग अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप स्ट्रेटेजी प्रॉपर लैक करते हैं। तो मगर मित्रों हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरीड क्वेश्चन पार्ट इज इंडिकेटेड। देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे जो है नंबर दिया गया होगा। इसके आगे देखिए ये क्या, मैं जो आपसे बात कह रहा था कि आपको किस में लिखना है, कोई आंसर उसी मीडियम में लिखने हैं जो ऑथराइज्ड मीडियम है, और उसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखे तो 9 मार्क्स आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे मित्रों। तो इसके अलावा देखिए क्वेश्चन 1 से 10 तक 100-150 नंबर के हैं और 11 से लेकर 20 नंबर तक के 250 नंबर के हैं। तो कुल मिला के ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत डिटेल फॉलो करना है कि आपको कुल मिला के फॉलो कैसे करना है कि 150 और 250 इन दो लेवल पे आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते मतलब जगह छोड़ते हैं तो उसकी वहाँ पे जो है उसे क्लियरली काट दें और वर्ड लिमिट की ध्यान जरूर रखें मित्रों। जो लोग इस बार यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं वो लोग इन वीडियोस को जो है थोड़ा समय रुक के देख सकते हैं, अगर चाहें तो अभी भी देख सकते हैं क्योंकि आपको एडिशनल पॉइंट इनमें बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो मित्रों देखिए इनमरेट पहला क्वेश्चन आ जाता है, उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु सेवा कर GST के में सम्मिलित किए गए। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित GST के राजस्व पर भी टिप्पणी कीजिए। देखिए मित्रों इनमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट हैज बीन सब्स्यूम्ड बाय GST इन इंडिया, ऑल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ GST फ्रॉम जुलाई 2017। अब देखिए हमारे देश में पहले क्या होता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे कि हमारी जो एक्सरसाइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी और जो आपके वैल्यू एडेड टैक्स होता था और जितने सारे टैक्स होते थे, आपको प्रोडक्शन पे टैक्स लगता था, आपको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स में लगता था, आपको बहुत सारे जितने इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, इसे हम कहते थे टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम, जिसमें कि आप एक बार टैक्स दे दें मगर वो टैक्स आपको जो है इनडायरेक्टली आपको, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर ने आपको प्रोडक्शन का टैक्स दे दिया, उसके बाद कंज्यूमर जो है आपको टैक्स देगा, फिर देखिए कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग पे आपको टैक्स लगेगा। सभी जगह मतलब हर स्टेज के जो एक पिरामिड कहते हैं, ये प्राइमरी लेवल से लेके अप लेवल तक, प्राइमरी से लेके टॉप लेवल तक, टर्शरी लेवल तक जो है आपको टैक्स देने पड़ते थे। तो ये डबल टैक्सेशन था, यानी कि एक ही व्यक्ति जो होता था 10 बार कर्ज देता था, जिससे कि क्या नाम कहते हैं, बार बार जो होता था ये होता था कि बार बार इससे टैक्सेशन होने की वजह से चीज़ों के जो थे दाम बढ़ जाते थे। तो दाम बढ़ने से जो है लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो इसके बाद देखिए अब जुलाई से ये क्या चेंज आया, जुलाई 2017 में जब GST आया तो पहले तो GST का जो था वो आंकड़े जो थे कम थे, मगर इसका जो ग्राफ बनेगा आप इस तरीके से इसमें ग्राफ बना सकते थे कि GST इन इनिशियल फेजेस, आप इसको इस तरीके से ग्राफ बना सकते थे GST इन इनिशियल फेजेस। उसके बाद ये 2012 का यहाँ से 2017 का यहाँ पे लिख सकते थे कि 2000, उसके बाद 2018 में GST का जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊंचा हुआ, फिर और ऊंचा हुआ, और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब कम भी हुआ और 2018 में जो है GST हाईएस्ट पीक पे पहुंचा।
तो आप ये ग्राफ बना सकते थे, यहाँ पे आप लिख सकते थे टाइम, और यहाँ पे लिख सकते थे कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो था आपका, टैक्स कलेक्शन यहाँ पे लिख सकते थे, और यहाँ पे लिख सकते थे टाइम, इंक्रीजिंग टाइम और टैक्स कलेक्शन। तो इस तरीके से आप एक ग्राफ बना के आप ये शो कर सकते थे, और इस आंसर में आप पूरे GST का किस तरीके से रेवेन्यू रहा है, इसके लिए आप अखबार निरंतर पढ़ रहे हैं। अभी रिकॉर्ड 2019 में जो है रिकॉर्ड GST का कलेक्शन हुआ है, तो उस आधार पर आप ये आंसर बहुत ही ईजी हो जाता है मित्रों। कितना ईजी हो जाता है देखिए, डू यू एग्री द स्टीडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेट इंडियन इकोनॉमी गुड शेप। तो देखिए अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, जो RBI ने कहा था कि अभी RBI ने रेपो रेट में जो है कमी लाई है, तो रेपो रेट में कमी लाते समय RBI गवर्नर का ये स्टेटमेंट था कि स्टीडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैज लेट इंडियन इकोनॉमी गुड शेप। तो ये वहाँ की डायरेक्ट स्टेटमेंट UPSC ने पूछ लिया, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अखबार पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अखबार नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप IAS की टीम की जो है दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण आप देखें, ताकि आपको सारा इसका अंदाजा लग सके। तो देखिए इसके सपोर्ट में आपको आर्गुमेंट देने हैं मित्रों, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं अमेरिका का एग्जांपल, जहां पे GDP लगातार ग्रोथ होने और लो इन्फ्लेशन ने जो है वहां की मार्केट को जो है आज इकोनॉमिक जाइंट बना दिया। यूरोपियन यूनियन का आप एग्जांपल दे सकते हैं, और मतलब देखिए यहां पे क्या है, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, यहां पे आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं और उनके सपोर्ट में आपको रीजन देने हैं। तो कुल मिला के मित्रों देखिए आपको कितना सरल हो जाएगा कि अगर आप ये आर्ग्यूमेंट आप USA का एग्जाम्पल दे, आप इनका एग्जाम्पल दे, और इंडिया की इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में उसको डिपिक्ट करते हुए आंसर लिखें, तो कितना सरल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन, ये आंसर आप लिख सकते हैं, और ये आंसर सभी आपने लिखने हैं, और हमें चेक करवाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं मित्रों। इसके बाद देखिए, हाउ फार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज हेल्पफुल इन सस्टेनिंग द एग्रीकल्चर। देखिए अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है सरकार की एक महत्वपूर्ण जो परियोजना कह सकते हैं आप, परियोजना तो नहीं कहेंगे मगर एक महत्वपूर्ण जो है सुझाव नीति आयोग के द्वारा भी दिया गया है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होना चाहिए पूरे देश में, इरिगेशन से लेके फर्टिलाइजर से लेके सब कुछ फार्मर को जो है मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल हो, ताकि जो है फार्मिंग का जो सिस्टम है वो एकीकृत रहे, मार्केट जाने के लिए जो है फार्मर के पास पूरा एकीकृत रहे। तो इसके लिए कॉर्पोरेट सोसाइटी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप अन्य APMC एक्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये जितने भी उदाहरण आप अगर कोट करें तो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इकोनॉमी के पोर्शन से पूरा क्वेश्चन था। अब देखिए, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ वाटर स्ट्रेटेड एरिया। अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता है तो आप इसको किस तरीके से, वाटरशेड प्रोजेक्ट है मतलब कि जो पूरा रिवर का वाटरशेड है, वाटरशेड क्या होता है, जितने भी द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर, तो ये वाटरशेड प्रोजेक्ट है। तो इसका क्या वो होगा, इसका ये होगा कि ये धीरे धीरे एग्रीकल्चरल फार्म, जैसे यहाँ पर है ये रिवर आ रही है, तो यहाँ से जो है ये एग्रीकल्चर के जो फार्म है उनमें क्या होगा, एग्रीकल्चर के जो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का फार्म है, यहाँ पर से जो है ये पानी क्या करेगा, ये मान लीजिए रिवर है, तो यहाँ से ये पानी यहाँ खेतों में दे देगा, और ये खेत क्या होंगे, उपजाऊ हो जाएंगे, जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इंटीग्रेट पूरी तरीके से ये एक अच्छा फार्मिंग सिस्टम लाने में मदद करेगा, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो होगा वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में क्या होगा ये, क्योंकि पानी आपका जो है रिवर यहाँ से जा रही है, और यहाँ ये एरिया वाटर स्ट्रेस्ड है, अब यहाँ पर से आपने यहाँ पानी दे दिया कैनाल इरिगेशन के जरिए, और या इंदिरा गांधी कैनाल जैसी परियोजनाओं के जरिए, तो कुल मिला के जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्ट होगा। तो आप वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में और क्या कर सकते हैं, आप क्रॉप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बार्ले और अन्य क्रॉप, जितनी भी ड्राई क्रॉप्स हैं आप वो ग्रो करने के लिए सलाह दे सकते हैं। अब देखिए, हाउ इंडिया वॉज बेनिफिटेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ सर एम्स विश्वरैया एंड एम्स एस स्वामीनाथन इन द फील्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चरल साइंस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर किसी ने बहुत ही एमिनेंट काम कराया है, एम एस स्वामीनाथन जी लगातार MS स्वामीनाथन फाउंडेशन के जरिए लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये देश के एसेट्स हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे MS स्वामीनाथन जो है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, वहीं जो है एम विश्वरैया जो हैं
वो आपके जो है वाटर इंजीनियरिंग की जो रिवॉल्यूशन चली देश में, एग्रीकल्चरल साइंस के वो जो है फादर माने जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आंसर पूरे उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनके आधार पर लिखने हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट अवर स्पेस प्रोग्राम। तो देखिए, इंडिया का जो गगनयान प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया जो है मैंड स्पेस प्रोग्राम कर रहा है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा इंडिया अपना भी चाइना के अलावा और अन्य देशों के जैसे जो है अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन भी होने की बात कह रहा है। तो आप देखिए, इससे हम क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें स्पेस साइंस एंड टेक में हेल्प होगा, इससे हमें रिसर्च में डेवलपमेंट में जो होगा ये होगा, हमारी कैपेबिलिटी वर्ल्ड को पता चलेगी कि हम कितने कैपेबल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता लगेंगी। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, देखिए आपको इसको केवल मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा, मगर आपको इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि अगर हम अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ कर देते हैं, अपनी सब कुछ प्रूफ कर देते हैं, तो कुल मिला के हमारा जो है कितना अच्छा रहेगा, हम लोगों का मतलब भारत कितना जो है तरक्की करेगा और इकोनॉमी, इससे क्या होगा, हम छोटे छोटे देशों के सैटेलाइट वो कर सकते हैं, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कुल मिला के हमारी इकोनॉमी में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इसरो के अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी रिसेंट में जो है इसरो की एक और कमर्शियल विंग बनाई गई, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो है ये दोनों जो मिलके जो है ये इसरो को जो है काफ़ी, इसरो का 1% का भी घाटा नहीं है, अपने जो स्पेस के खर्चे हैं वो इसरो जो है पूरी तरीके से खुद ही रिकवर कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। तो इसके आगे देखते हैं। कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल पोजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू इन्वायरमेंट। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग अलॉन्ग द कोस्ट साइटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, कोस्टल माइनिंग क्या करती है, इस पर आप देखिए, कोस्टल रेगुलेशन जोन अभी सरकार ने रिलीज किए हैं, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी, के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखनी थी, आपको किसकी रिकमेंडेशन लिखनी थी, आपको लिखनी थी के कस्तूरी रंगन कमेटी के अलावा जो है आपको माधव गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़नी थी और इनको लिखना था। और कुल मिला के देखिए, सैंड माइनिंग की जो वो है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन की अगर आप रिकमेंडेशन के आधार पे ये आंसर लिखें कि जो है इससे जो है मैराइन इकोसिस्टम प्रभावित होता है, इससे क्या होता है जो कोरल ब्लीचिंग होती है उसकी प्रक्रिया और बढ़ जाती है क्योंकि फ्रेश वाटर इनफ्लो बढ़ जाता है। तो कुल मिला के ऐसे करके आप डायग्राम ऐसे करके बना सकते थे, प्रॉब्लम करके फिर यहाँ पर चारों ओर ऐसे लिख सकते थे, तो कुल मिला के बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते थे। तो इसके आप आगे देखते हैं। वल्नरेबिलिटी इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इंपैक्ट। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है मित्रों। तो डिजास्टर हाउ इन व्हाट वे वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर आर कैरेक्टराइज्ड, डिस्कस द टाइप्स एंड वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर। अब देखिए, वल्नरेबिलिटी इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इंपैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल। तो देखिए, इसमें क्या होगा, वल्नरेबिलिटी मतलब ससेप्टेबिलिटी टू डिजास्टर। ससेप्टेबिलिटी मतलब जो है जो एरिया ज़्यादा डिजास्टर प्रोन है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये भारत है, तो यहाँ पर का जो एरिया है ये ITSZ है। क्या है ITSZ? इंडो सांगपो सुलचर जोन। तो ये सुलचर जोन में क्या है, अर्थक्वेक प्रोन है। अब मान लीजिए कि ये बैरन आइलैंड वाला एरिया आप ले लेते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड है बैरन आइलैंड, तो ये कहाँ पे है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए प्रोन है। ये क्रेटोनिक एरिया है भारत का, ये क्रेटोनिक एरिया में भी जो है अर्थक्वेक प्रोन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी से जो है यहाँ पे वो हो रहे हैं। तो इसके बाद देखिए कि बैनिंग जमात इस्लामी इन जम्मू एंड कश्मीर ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ओवर द ग्राउंड वर्कर्स इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिन द रोल प्लेड बाई OGW इन असिस्टिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज, डिस्कस द मेजर्स। अब देखिए, जमात इस्लामी को जो है स्लैश डाउन करने में जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो है कैसे उन्होंने हेल्प किया, ये इसको आपको एग्जामिन करना है। और ये आपको अदर ग्राउंड वर्कर बोले तो जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, नक्सलाइट्स हैं और जो जिहादी हैं और ये हुर्रियत के नेता हैं, इनके द्वारा जो काम वहाँ पे किया जा रहा है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन लिखना है। तो आप समझ रहे होंगे मित्रों किस तरीके से आपको ये करना है। तो 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अलावा डिस्क्राइब द साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूजफुल इन कंट्रोलिंग द
इंटरनेट क्राइम्स। देखिए, साइबर डोम प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके अंतर्गत सभी जो है इंटीग्रेशन जो है साइबर सेल्स का किया जाएगा, और जो है एक इंटीग्रेटेड नेशनल कमांड सिस्टम जो है जो आप कह सकते हैं उसे कहते हैं हम, मेरे को अभी ये देखिए आप उसको कहते हैं कि साइबर डोम प्रोजेक्ट में जो है उसमें आप इंटीग्रेशन करेंगे, और कुल मिला के जो है आप क्या करेंगे, एक जैसे कि कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था श्री कृष्णा कमेटी, बीएन श्री कृष्णा कमेटी ऑन डाटा प्रोटेक्शन। तो उसके आधार पे जो है साइबर डोम प्रोजेक्ट, आप ये बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे जो है ये आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, इट इज़ आर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। तो देखिए, जो सस्टेनेबल ग्रोथ की यहाँ पे बात हो गई है, स्ट्रेटेजी की बात हो गई है, कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, इंक्लूसिव मतलब सस्टेनेबल, इंक्लू समावेशी विकास जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविलिटी टुगेदर लाना है। अब देखिए मित्रों, इंक्लूसिविलिटी इज नाइदर सेपरेबल फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी, मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हैं इंक्लूसिविलिटी और सस्टेनेबिलिटी। अब इंक्लूसिविलिटी का मतलब कि हर एक व्यक्ति तक विकास हो, अगर पुअर का विकास नहीं हुआ तो वो रिच के लिए थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी की तरह काम करेगा। अगर लाइबिलिटी की तरह वो काम करेगा मित्रों, तो कितने तरीके से वो समाज के लिए जो है बोझ बनेगा, और कुल मिला के जो है समाज जो है उसको समाज के ऊपर वो परेशानी ही पैदा होगा मित्रों। अब देखिए, ये 15-15 नंबर के क्वेश्चन है। उत्तर, द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, क्लैरिफाई इट। अब देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई इट, यूपीएससी ने नया टर्म यूज कर दिया है क्लैरिफाई इट। अभी तक आप क्रिटिकली एनालाइज ये सब सुनते थे, अब क्लैरिफाई करने के लिए यूपीएससी कह रहा है। तो देखिए मित्रों, इस आधार पर आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अनाज वितरण प्रणाली, आप देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें पहले समझ आऊंगा कि मैं दूसरे क्वेश्चन में आ गया था। तो एफआरबीएम एक्ट 2005 का जो है उसके आधार पे ये आपको रिकमेंडेशन के आधार पे एफआरबीएम, जिसमें कि फिस्कल प्रूडेंस की बात की गई है, कि केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है फिस्कल प्रूडेंस की बात करेगी, तो उसके आधार पर जो है आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है, व्हाट आर रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक द फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्ट। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली वन नेशन वन रेशन कार्ड से आया है, जिसमें कि आपका क्या नाम कहते हैं, ये गवर्नमेंट का रिसेंट स्टेप है। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ आधार जो है ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी जो है आधार के जरिए, बहुत से अलग अलग स्टेप्स जो गए गवर्नमेंट ने किए हैं बोगस को। इसके लिए जो है जस्टिस बाजवा कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। आप ये कमेटी का नाम मेंशन जरूर करें इस आंसर में, क्योंकि ये आपके आंसर को बल देगा, और बहुत ही अच्छे से आप यह सरल आंसर लिख सकते हैं। इलेबरेट द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मीट द चैलेंज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, अभी गवर्नमेंट ने जो है रिसेंट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत ही इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। आप उनको लोन दिए देने की गवर्नमेंट ने बात की है, इजी एक्सेसिबिलिटी टू क्रेडिट की बात की है, उनके लिए जो है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, डेवलपिंग चेन लिंकेजेस, ये गवर्नमेंट ने बात की है। तो इस तरीके से आप जो है गवर्नमेंट की रिसेंट पॉलिसीज के आधार पर देखिए, जीएस का पूरा पेपर जो है करंट अफेयर्स के बेस है, ये ONOR वन नेशन वन रेशन के आधार पे है, और ये अभी जो रिसेंट की गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, न्यू फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन है। तो 15, 16, 17 ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए मित्रों, तो हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अभी ये देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन को प्रोटेक्ट करने से, किससे, फार्मास्यूटिकल कंपनी से। देखिए होता क्या है मित्रों, कि जो आदमी जो होता है वो ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पे जो है अपना इलाज कर लेता है, मगर आज जो है मेडिकेयर का जन्म हो रहा है। मेडिकेयर का अर्थ है कि जिसमें व्यक्ति क्या करता है,